चलते चलते हंसते गाते यूं कटे सफर जिंदगी का, सफर जिंदगी का। जिंदगी राज़े हकीकत के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी एक इबादत के सिवा कुछ भी नहीं। सच तो यह है कि मोहब्बत की बेखुदी के बिना जिंदगी सांस की आदत के सिवा कुछ भी नहीं। नमस्कार, आज के हमारे अतिथि श्री गोपाल शर्मा प्रभाकर, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर होने के साथ एक अच्छे कवि और लेखक भी हैं। ये हसमुख एवं सहज व्यक्तित्व के धनी हैं, तो आइए हम आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, मुझे भी सुरांजलि यूट्यूब चैनल पर आने का अवसर मिला, ये मेरे लिए खुशकिस्मती है। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक संस्था बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती जा रही है, ये एक मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। और मुझे भी आज इस मंच पर आने का अवसर मिला, इसके लिए आपका आभार। सर, आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी एजुकेशन कहाँ से? मैं मूल रूप से कोटा का निवासी हूँ और कोटा में रामपुरा कोतवाली के सामने वाली गली में मेरा जन्म हुआ। चारभुजा मंदिर के पास हमारा दादाजी का मकान था, उसमें मेरा जन्म हुआ और वहीं से मेरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। शिक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, प्राथमिक शाला तो हमारी कोटा में ही रही, लेकिन फिर बाद में जहाँ जहाँ पिताश्री का स्थानांतरण होता रहा वहाँ वहाँ हमारी पढ़ाई होती रही। कोटा के बाद जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, डूंगरपुर और फिर जयपुर। कोटा से ही जहाँ प्राथमिक शाला की शुरुआत हुई, प्राथमिक कक्षा से हम शुरू हुए थे और एमए भी मैंने कोटा से ही किया संयोगवश। ये सुखद संयोग था कि एमए हिंदी साहित्य मैंने कोटा से किया, बाद में पत्रकारिता राजस्थान विश्वविद्यालय से किया, पत्रकारिता का डिप्लोमा। सर, आप काव्य और साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो इसमें आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? मेरे साहित्य और काव्य सृजन के प्रेरणा स्रोत मेरे पिताश्री रामनाथ जी कमलाकर रहे हैं। उनकी छत्र छाया में मैंने कलम चलाना सीखा, कविता लिखना सीखा, लेख और कहानी आदि भी मेरी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। और ये एक रचनात्मक माहौल शुरू से ही घर में देखने को मिला, तो वो संस्कारित मन संस्कारित होता चला गया और मैंने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। कीर्ति शेष रामनाथ जी कमलाकर राजस्थान के जाने माने कवि गीतकार रहे हैं। उन्होंने कई कवि सम्मेलनों में खूब तालियां बटोरी है, खूब नाम कमाया है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनका नाम काफ़ी लंबे अरसे तक प्रकाशित होता रहा है। उनकी 5 पुस्तकें भी छपी। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण साहित्यिक कीर्तिमान स्थापित किए, साहित्यिक संस्थाएं चलाई, कवि कुल और अनुग्रह अकादमी तक उनकी इतनी शानदार संस्थाएं थी कि वो आज भी याद आती हैं और लोग स्मरण करते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब अनुग्रह अकादमी अपने यौवन पर थी, तब उसका आकर्षण ज़बरदस्त था। हर वर्ष राधाष्टमी पर बहू जी एक खास जश्न करते थे, जिसमें किसी विशिष्ट साहित्यकार को सम्मानित करते थे और वो सम्मान भी वो
खुद ही नज़र रखते थे, कोई प्रविष्टियाँ आमंत्रित नहीं की जाती थी, वो खुद ही नज़र रखते थे कि कौन अच्छा लिख रहा है और उनका वो सम्मान का कार्यक्रम किया करते थे। वाग विभूषण उपाधि से वो अलंकृत करते थे कवियों और साहित्यकारों को। विभिन्न जिलों में जनसंपर्क अधिकारी की सेवाएं दी है उन्होंने, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, सीकर, झालावाड़, कोटा, अजमेर, पाली और जयपुर। उनका एक सृजनात्मक सफर था, केवल जनसंपर्क ही नहीं, उनका एक रचनात्मक जीवन जो है ना उस सफ़र में झलकता था। वो नई पीढ़ी के लिए, नए रचनाकारों के लिए, लेखकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने त्रिवेणी, कवि कुल और अनुग्रह अकादमी जैसी संस्थाएं चलाई और वहाँ की क्षेत्रीय प्रतिभाओं को उभार कर और राज्य स्तर पर और देश के स्तर तक पहुँचाया। सर, आप जिंदगी के सफर के कुछ अनुभव हमारे दर्शकों को बताएं। मैं अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको बता रहा था कि मेरे पिता मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, लेकिन मेरी माताश्री का भी कम योगदान नहीं है मेरे जीवन के निर्माण में और मुझे आगे बढ़ाने में। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं बेरोजगार था और विभिन्न पत्र अखबारों में देख देख के अपनी आवेदन तैयार करके भेजता था और इंटरव्यू के देने के लिए जाता था, तो एक बार क्या हुआ कि मैंने राजस्थान सूचना केंद्र के लिए उद्घोषक पद हेतु आवेदन किया था और वो जो निमंत्रण आया, मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया, तो वो एक दिन लेट हो गया। मैंने पिताश्री से निवेदन किया कि आप डायरेक्टर से बात कर लें ताकि मुझे इंटरव्यू में शामिल होने का मौका मिल जाए, लेकिन पिताजी सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, उन्होंने मना कर दिया कि अब बात करना बेकार है, डेट निकल गई है भाई, अब आप कोई और जगह अप्लाई करो, अपनी तैयारी जारी रखो। लेकिन मेरी माताश्री ने मुझे प्रेरणा दी कि तू खुद ही डायरेक्टर से बात कर ले, और मैंने डायरेक्टर को नंबर मिला के बात की कि इसमें सर मेरा क्या दोष है, डाक ही लेट आई है और ये मुझे आज मिली है और इंटरव्यू की डेट मेरी निकल चुकी है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे अवसर प्रदान करें। तो डायरेक्टर ये सहमत हो गया और मैं इंटरव्यू देने आ गया और मेरा सेलेक्शन हो गया। तो ये सुखद घटना के पीछे मेरी माताश्री की प्रेरणा अभी तक याद आती है और मैं इस तरह से अपनी राजकीय सेवा के सफर पर निकल चुका था इस लाइन से। बहुत अच्छा सफर है सर आपका। सर, आप साहित्य और काव्य से जुड़े हैं, तो हमारे दर्शकों को आप कोई अपनी रचना सुनाएं। कुछ बानगी के तौर पे, जैसे मैंने शनिकाएं लिखी तो आपको बानगी के तौर पे सुनाता हूँ। संवेदनाएं लोगों के दिलों में ठहरती है वैसे ही जैसे अफसर लोग यदा कदा ठहर जाते हैं डाक बंगलों में। संवेदनाएं लोगों के दिलों में ठहरती है वैसे ही जैसे अफसर लोग यदा कदा ठहर जाते हैं डाक बंगलों में। ये रिश्ते नोटों की गड्डियां तोड़ो टूट जाए, जोड़ो जुड़ जाए, बचाओ भविष्य में काम आए। इसी तरह से कुछ चतुष्पदियाँ भी लिखी है, मुक्तक शैली में भी रचनाएं लिखी है। हिंदू होता न मुसलमान होता है, वो फकत इंसान होता है। हिंदू होता न मुसलमान होता है, आदमी फकत इंसान होता है। धर्म और मजहब की बातें फिजूल लगती है, वो दरअसल सांस का मकान होता है। वो दरअसल सांस का मकान होता है। दुआ की दौलत कोई लूटता नहीं, दुआ की दौलत कोई लूटता नहीं, पत्थर दिल से झरना फूटता नहीं। दोस्तों,
जानने की बात बस इतनी है कि प्यार का रंग चढ़े तो छूटता नहीं। मंदिर मस्जिद से दूर हो जाऊं, मंदिर मस्जिद से दूर हो जाऊं, सबकी आंखों का नूर हो जाऊं। मंदिर मस्जिद से दूर हो जाऊं, सबकी आंखों का नूर हो जाऊं। देवता पैगंबर बनूं न बनूं, फकत इंसान जरूर हो जाऊं, फकत इंसान जरूर हो जाऊं। नदी के तीर पर लग रही प्यास है, याद के भीतर चुभ रही फांस है। नदी के तीर पर लग रही, नदी के तीर पर लग रही प्यास है, याद के भीतर चुभ रही फांस है। नदी के तीर पर लग रही प्यास है, याद के भीतर चुभ रही फांस है। रहस्य के इस रूहानी जंगल में गंतव्य मेरे तुम्हारी ही तलाश है, गंतव्य मेरे तुम्हारी ही तलाश है। जिंदगी कहीं पर प्रश्न हो गई है, जिंदगी कहीं पर प्रश्न हो गई है, जिंदगी कहीं पर जश्न हो गई है। राधिका ने जो प्यार से निहारा उसे, जिंदगी यहीं पर प्रश्न हो गई, जिंदगी यहीं पर प्रश्न हो गई। सर प्लीज आप थोड़ा फिर अच्छे से सुनाइए। जी कभी तो उगे का वो दिन, पहुंचेंगे अपने गांव, मंजिल से पहले कैसे थम जाएंगे अपने पांव। कभी तो उगेगा वो दिन, पहुंचेंगे अपने गांव, मंजिल से पहले कैसे थम जाएंगे अपने पांव। चलते रहने को प्रेरित करते हैं सूरज चांद, चलते रहने को प्रेरित करते हैं सूरज चांद। बढ़ते रहने की आदत जिंदगी में ऐसे बांध, बढ़ते रहने की आदत जिंदगी में ऐसे बांध। लहलहाती फसलों का सलाम तू स्वीकार ले, लहलहाती फसलों का सलाम तू स्वीकार ले। जगमगाती चांदनी का प्यार तू निहार ले, जगमगाती चांदनी का प्यार तू निहार ले। लक्ष्य की लगन हो तो, लक्ष्य की लगन हो तो कांटे ही वरदान है, लक्ष्य की लगन हो तो कांटे ही वरदान है। राहवर का मेरे मीत कितना एहसान है, राहवर का मेरे मीत कितना एहसान है। नित्य ही तू बढ़ता चल गवई का प्यार ले, नित्य ही तू बढ़ता चल गवई का प्यार ले। खिलखिलाते फूलों से खुशियाँ उधार ले, खिलखिलाते खिलखिलाते फूलों से खुशियाँ उधार ले। सुबह गाले पर भाती कि सुबह गाले पर भाती और शाम गाले आरती, जिंदगी की रोशनी तिमिर से नहीं हारती। सुबह गाले पर भाती और शाम गाले आरती, जिंदगी की रोशनी तिमिर से नहीं हारती। काफी अरसे पहले एक गीत मैंने लिखा था, उसकी कुछ पंक्तियां साझा करना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए। तेरे लिए बेदर्दी छल यारे, तेरे लिए बेदर्दी छल यारे, घूमे हम गलियारे गलियारे, घूमे हम गलियारे गलियारे। चांदनी के शामियाने तले शुरू हुए प्यार के सिलसिले, धीरे से तेरा वो पतियाना, होले होले तेरा वो मुस्काना। गीत कोई सा गुनगुना लेना, दूरियों ने खत्म कर दिए गिले, तेरे लिए बेदर्दी छल यारे। होते होते भोर शिवा ले जाना, रंगोली से घर को सजा लेना। गीत कोई सा गुनगुना लेना,
कौन प्रिय है तेरे मुकाबले, तेरे लिए बेदर्दी छलिया रे। हम उस छलिए का नाम जरूर जानना चाहेंगे सर। ये कविता मैंने अपनी उस रोशनी के रथ के सफर के अंतर्गत ही लिखी थी, जब मैं लंबे टूर पर निकल जाता था और लंबे दौरे पे, जैसे 28 दिन का, कभी कभी तो 10 दिन 20 दिन, कभी कभी तो 28 दिन का दौरा होता था जी। तो एक बार ये 28 दिन का दौरा लगा तो नई नई शादी थी, पत्नी से दूर रहा जी। तो फिर ये भावनाएं उमड़ी और गीत। बहुत अच्छा गीत बना सर। आप आज के युवा वर्ग को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने युवा मित्रों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि वो देश को सर्वोपरि समझे और अपने हर कृत्य को अंजाम देने से पहले, अपने काम को अंजाम देने से पहले ये सोचे कि मेरा देश के प्रति कोई दायित्व होता है और उसके हितों की रक्षा में मैं निरंतर अपने आप को समर्पित करता रहूं, यही उसका ध्यान रहना चाहिए। मुझे जापान में जो शिक्षण पद्धति है उसका ध्यान आ रहा है। वहाँ पे जो ही बच्चा पढ़ने जाता है तो उससे पूछा जाता है, तुम कहाँ के निवासी हो? कि मैं अमुक गांव का निवासी हूँ, फिर जन्म हुआ, मेरे माता पिता वो हैं, और आप किस क्षेत्र के अन्न से आपका शरीर बना है, कि जापान की धरती पे उगे अन्न से मेरा शरीर बना है, तो उसके प्रति तुम्हारा कुछ दायित्व है, ऐसा आता है ध्यान में, तो उस बच्चे को वहीं से प्रेरणा प्राप्त होती है और जीवन में आगे बढ़ने की लगन प्राप्त होती है। तो हमें अपनी मातृभूमि, अपने देश के प्रति एक भावना रखनी चाहिए कि हम इसके उत्थान के लिए, इसके उत्कर्ष के लिए, इसके उन्नति के लिए प्राणपण से जुड़ जाएंगे और देश को आगे बढ़ाने में अपना यथासंभव योगदान करेंगे। सर आप हमारे शो में आए, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर मुझे आमंत्रित किया और अवसर प्रदान किया, और मैं कामना करता हूँ कि आपकी ये गतिविधियाँ दिनों दिन आगे बढ़े, दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें, और दिन पे दिन मैं देख ही रहा हूँ कि काफ़ी युवा प्रतिभाएँ आपसे जुड़ती चली जा रही हैं और इसका एक अच्छा परिणाम सामने आएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है।